नीतीश कुमार की मोदी भगाओ स्कीम लॉन्च होने से पहले ही ध्वस्त हो गई। 4 घंटे से अधिक लंबी चली बैठक में केजरीवाल के हाथ कुछ नहीं लगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पैरवी के बावजूद कांग्रेस ने केजरीवाल के रास्ते का कांटा नहीं हटाया। दोनों पार्टियों के बीच बैठक के दौरान गर्मा गर्मी भी हुई। अरविंद केजरीवाल ने पटना में अपनी पूरी फील्डिंग सजाई थी, अपने साथ भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा को भी लेकर गए थे। एक दिन पहले पहुंचकर केजरीवाल ने माहौल पूरा बनाया, लेकिन कांग्रेस टस्सेमस नहीं हुई। तो केजरीवाल अपने चेले चपाटों के साथ विपक्षी पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले दिल्ली खिसक गए। बड़ी बात यह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया। मतलब ये कि केजरीवाल अब नीतीश कुमार के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। विवाद तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच भी हुआ। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने पत्ते कोलकाता जाने के बाद खोलेंगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के होने तक नहीं रुके। मतलब ये कि उनके मन की भी बात नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती धारा 370 के एजेंडे के साथ आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल का प्लेन जाने वाला था, इसलिए वो दिल्ली निकल गए। विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12-13 जुलाई को होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उस बैठक में अरविंद केजरीवाल होंगे, क्या ममता बनर्जी आएंगी और क्या एमके स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि पटना बैठक में जिस तरह से झगड़ा रहा वो आगे भी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।